हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 2020 के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस खूबसूरत लोकेशन पे 2BHK और 3BHK की यूनिट। तो इस साइट को विजिट करने के लिए आपको आना है देहरादून में सहस्त्रधारा रोड पर, IT पार्क चौक से जब आप धोरण रोड की तरफ जाते हैं, कैनाल रोड की तरफ जाते हैं, और अगर कैनाल रोड से आ रहे हैं तो जब सहस्त्रधारा रोड की तरफ में जाते हैं तो आपको आने दून ट्रैवल घर सोसाइटी की तरफ या घाटी रिवर वैली सोसाइटी की तरफ। वहां पे हमारे पास में ये यूनिट आ रही है जिसमें टोटल 24 यूनिट है पूरी बिल्डिंग के अंदर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है दून ट्रैवल घर की बिल्डिंग। उसके पीछे आपको मसूरी का व्यू दिखाई दे रहा है, काफी खूबसूरत मसूरी का व्यू आता है यहाँ से। और इस तरफ में आप देखेंगे तो घाटी रिवर वैली का व्यू है। तो गाइस, आपको साइट विजिट करने के लिए स्क्रीन पे दिया जा रहा है एक नंबर अडावंस होम का। आप साइट विजिट करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको साइट विजिट का टाइम रख लेना है। साइट विजिट करने के लिए आप आएंगे, आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना, किसी को कमीशन नहीं देना। आप डायरेक्ट विजिट कीजिए, जिनका मैं नंबर दे रहा हूँ, अडावन होम्स, ये इन्हीं का प्रोजेक्ट है और इस सोसाइटी का नाम भी अडावन होम्स के नाम से ही रखा गया है। तो चलिए करते हैं विजिट। सो गाइस, ये रहने वाली है फ्लैट की बालकनी। हम लोग इस वक्त आए हैं 3BHK में। बालकनी से आपको सीधा सामने का व्यू दिखाई देता है मसूरी का, आपको मालदेवता के पहाड़ दिखाई देंगे। यहाँ से आगे आपके 30 फीट वाइड रोड है, तो ऑफकोर्स पार्किंग का आपका इशू खत्म हो जाता है। अब हम बालकनी से आए हैं जो हमारा एक बेडरूम रहने वाला है। बेडरूम के अंदर में बेडरूम का साइज यहाँ पे 10x12 का रखा गया है, जो कि एक सफिशियंट साइज होता है। यहाँ पे आपको टीवी पैनल मिलेंगे, इस तरफ में आपको फुल वॉल के साथ में वार्डरोब मिलेंगी जिनमें स्पेस की कोई कमी नहीं है। इस तरफ में आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक वॉशरूम मिलेगा जिसका 6x5 का साइज है। फुल लेंथ इसमें टाइल लगी है कजालिया A1 क्वालिटी, और गैपिंग में आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स दी गई है। इस पूरे फ्लैट में आपको जैगुआर की फिटिंग मिलेगी जिसमें आपको 10 ईयर वारंटी मिलती है। अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग हॉल की तरफ में। इस वक्त है लिविंग रूम में। लिविंग रूम में इसका साइज आपको 20x14 का मिलता है, काफी एक्सपेंड किया हुआ साइज है। आप वॉल्स पे देख सकते हैं अलग ही आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। सो इस साइड में आपको देखने को मिलेगा सेमी मॉड्यूलर किचन, एल शेप में ये किचन दिया गया है। अच्छा, इसमें आप ऊपर की साइड में देखेंगे, इसमें इतने सारे कैबिनेट लगे हैं, इतना सारा स्पेस बनाया गया है कि अगर आप 200 लोगों की शादी का खाना बनाना चाहें तो इस किचन में इजीली आ जाएगा। मैंने बहुत सारे फ्लैट की और घरों की वीडियो शूट की है, पर इतना स्पेस मैंने अभी तक किसी किचन में नहीं देखा है। और यहाँ पे ऑफकोर्स ये एरिया जो है ये चिमनी का रहने वाला है, इंटीरियर की चिमनी लगी थी, एक्सॉस्ट हो जाएगा बाहर की तरफ है, पूरी विंडो लगी हुई है जिससे सनलाइट की आपको दिक्कत नहीं होगी। पीछे भी एक बालकनी है, तो वहां से अभी हम चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर दो आपको सिंक दी जाती है, ये पूरा स्पेस आप यूज कर सकते हैं कुकिंग के लिए और बहुत सारे आइटम के लिए। तो फ्लैट है बहुत बड़ा और टाइम है बहुत कम, सब चीजें आपको दिखानी है। इस तरफ में आप देखेंगे तो भगवान जी के लिए ये स्पेस दिया गया है, यहाँ पर इसको ओपन करके अंदर मंदिर लगेगा, पूजा का स्पेस है ये वाला। यहाँ तो अपने को इस तरफ में भी एक स्पेस मिलता है जिसमें नीचे कैबिनेट दिए हुए हैं, यहाँ पे आप टीवी लगा सकते हैं शोकेस के लिए। की एंट्री रहने वाली है इस तरफ। एंट्री से हम आए, किचन से पहले हमें एक और रूम मिलता है, तो इस वाले रूम में चलेंगे अब। तो जैसे ही हम रूम में आते हैं 10x12 का आपको रूम देखने के लिए मिलता है। इस हाथ पे मेरे रहने वाली इस फ्लैट की बालकनी और इस हाथ पर रहने वाला है वॉशरूम। वॉशरूम का साइज यहाँ पे आपको 5x6 का मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सिंक, इस एरिया में सिंक मिलेगा, यहाँ पे सीट लगेगी और अभी काम है पूरा ऊपर तक मस्त टाइल वाइल लगा के एकदम चकाचक बना रखा है। अब इस तरफ में आएंगे तो ये रहने वाली है हमारी बैक साइड की बालकनी। वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छा स्पेस छोड़ा गया है, वेंटिलेशन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। इस साइड में भी फ्लैट का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो आप देख सकते हैं पीछे जो फ्लैट है उसमें और हमारे फ्लैट में काफी स्पेस है, तो वेंटिलेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत है। ये रहने वाली है वो किचन की विंडो जो मैं आपको किचन के साइड से दिखा रहा था। सो गाइस, इस फ्लैट में, इस पूरी यूनिट में 24 फ्लैट है जिसमें आपको 2BHK, 3BHK और 3BHK की टोटल 24 यूनिट्स मिलने वाली है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला फ्लैट है जिसके अंदर अभी हम खड़े हैं, इसका सुपर एरिया आ रहा है 1600 स्क्वायर फीट का। इसकी प्राइसिंग जो रखी गई है
85 लाख रुपीज की रखी गई है। इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे 3BHK की यूनिट आती है ये 1417 स्क्वायर फीट की रहने वाली है। इसकी जो डिमांड रखी गई है 75 लाख रुपए की रखी गई है। इसी के बाद में 55 लाख रुपए में आपके आता है 2BHK जो कि 1200 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। काफी प्रीमियम कंस्ट्रक्शन है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यू कैन विजिट राइट नाउ, आप आज ही इसको विजिट कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम चेकआउट कर सकते हैं कैसा चल रहा है कैसा नहीं। अभी रो फ्लैट है, ये तो एक सैंपल फ्लैट थोड़ा बहुत रेडी कर रखा है, रो फ्लैट है तो उसमें आप अपना मनचाहा पेंट करवा सकते हैं, मनचाहा काम करवा सकते हैं। और नेगोशिएशन में जब स्टार्टिंग में कोई प्रोजेक्ट रेडी होता है तो उसका नेगोशिएशन भी उसी तरीके से काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो आई सजेस्ट यू कि आप एक बार साइट को विजिट करने के लिए ज़रूर आए, साइट को विजिट करें। यहाँ से आपको कनेक्टिविटी के मामले में बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। IT पार्क यहाँ से केवल 5 मिनट की ड्राइव पे है, ऑल्सो राजपुर रोड यहाँ से केवल 7 मिनट की ड्राइव पे है। फ्लैट में आपको पार्किंग के अलावा और भी एमिनिटीज मिलती है, जैसे कि आप रूफ टॉप पे जाएंगे तो आपको सिटिंग एरिया मिलता है, बार एरिया मिलता है, साथ ही में आपको गार्डन मिलता है, टेरिस गार्डन, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 साल की मेंटेनेंस फ्री में मिलती है, आपके लिए गार्ड रखा जाएगा नीचे 24/7 जो सिक्योरिटी आपको प्रदान करेंगे। तो गाइस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके की और वीडियो मिलती रहेगी आपको, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।